पुलिस के सुल्तानविंड रोड का एक मामला सामने आया है, जहां यशपाल सिंह की फैक्ट्री में रेड करने पहुंची पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम की तरफ से यशपाल के घर से 1 लाख उड़ा लिया गया। यशपाल सिंह का कहना है कि 7 लोग आए थे, जिनमें से 2 पुलिस वाले थे और वह 6 लोग मुझे अंदर लेकर गए और 1 मेरे ऑफिस में चला गया, जहां 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था। उनके जाने के बाद जब देखा तो मेरे पैसे गायब थे। मेरा नाम यशपाल सिंह रंधावा है, कपूर नगर टोकी वाली गली च। मैं 12:30 बजे मैं फैक्ट्री आया, 10-15 मिनट पहला ही आया बाहरों, साढ़े फंक्शन बुधवार है, तो मैं ठेके तो 12-11 कबूतर शराब में लाया तो बुधवार फंक्शन करके 15-20 मिनट बाद मैं थले फैक्ट्री पानी पीते हैं, तो ये 7 जने 2 पुलिस वाले मुलाजम ही, 1 बलदेव सिंह ही, 1 सुखनाम सिंह, बाकी सिविल बदले पता नहीं वो मुलाजम ही कि जहाँ दूसरे वो ठेके वाले करेंगे। बस उसे ताे समान बहुत है, मैं दसो गल की आ, मैं शराब जी भी अहे शराब आई आ, तो मैं शराब तो मैं ठेके तो जा बोतलों बहरों बहरले तो नहीं कह, मैं ब्लैक करने मेरे फंक्शन ही नहीं, इतने होर बहुत कुछ अंदर दबादल सारे जने अंदर जाकर तलाशी लेनी शुरू करती आ, सारे जने तलाशी लेनी शुरू करती आ, तो अंदर तलाशी लैन तो 1 जना बच्चों 7 चो कोठे पौड़ियाँ चढ़ाया करे इतने दफ्तर च, तो दफ्तर चो 2 मिनट ला के तो फिर थले चल गया, तो जा गया भी थले कुछ नहीं उत्ते है नहीं गया कुछ भी, तो इन्हें करद कत्तरद्या मुड़ के जो चल गए 11 बोतल जो लै गए नाल आते थाने आए तुम उत्थे दसांगे। मैं भी मैं ये गनाह की आ, मैं कि बहरों ब्लैक खरीदी आ कि ताे बहर मोड़ तो ठेका आ उतों लई आ फंक्शन करके, तो यह ते 2 बोतल वध नहीं ला सकते तुम, चलो तुम 4 बजे उसे थाने आए मकबूलपुर अपना नंबर दे गया, तो जदों हाँ मैं आन के तो दराज वेख्या, दराज पैसे है नहीं, मुड़ के तुम 4 बजे गए हैं वो नहीं साढ़े बंदे योजे नहीं गए, तुम अपना घर चंगी तरह वेखो पैसे 50,000 दी 2 गड्डियां 1 लाख रुपया पूरा मैं किसी देने वास्ते रखा ही, पिछावर नागा ही फैक्ट्री बंद ही, एको बंदा थले लेबर का काम कर लिया ही, बाद आते भी अहू गए तो पहले आते भी नहीं सा, मैं साढ़े को फुटेज सारी रिकॉर्ड हैगा कि जोड़ा बंदा हैगा पहली गल, तो जिस हिसाब ने इन्हें काम किया जे पैसे वक्री गल आ, ये जिस तरह कला बंदा उत्ते जाके स्मैक रख के बाद आके तलाशी लेके आ सकते, अंदरों स्मैक नहीं लिए ब्लैकमेल भी कर सकते, इन्हों पैसे मिल गए अंदरों जी करके दूसरे पास तुर पे कोई गल ही नहीं की, क्योंकि जिस तरह किसी के भी फैक्ट्री के दफ्तर के बगैर मौजूदगी कल जाने उनका हक है, कोई वारंट कोई गलबात नहीं, क्योंकि इंस्पैक्टर एक्साइज विभाग के इंस्पैक्टर तो बगैर तो कोई भी घर की तलाशी लिया इन्होंने को अधिकार ही है, तो ये गुंडागर्दी की जे 7 बंदे 2 मुलाजम सिर्फ बाकी जे 5 बंदे उतर आए हैं, सारी सीसीटीवी फोटो बच्चे आया जिस तरह निशान भी नहीं पता भी बंदा उत्ते चढ़िया, मैंने तो क्यों मगरले शेड च रखा ना फैक्ट्री च, वो फुटेज तो बाद पता लगा भी ये बंदा उत्ते भी गया, कितने जने अंदर लगे थे कितने जने ऊपर आए, अंदर 7 जने पहले गए आ मुड़के 2 जने 1 जना पहला बाहर निकल के आया, वह तो मैंने पता ही नहीं क्योंकि सानू तो सीसीटीवी कैमरिया तो बाद पता लगा ना ये बंदा इतने दफ्तर च भी आके इंटरव्यू हो चुका कोई, तो दूसरे पौड़ी वाले पास दूसरे दूसरा बंदा भी आया पर छेती थले आ गया, हाँ 5 जने तो पक्के आने मैंने फैक्ट्री च रखे ना, वो कभी वो बोरिया फोल कभी वो बोरिया फोल, ना मैंने नहीं लिखे थले आप ही गले उत्ते आया, मैंने तो दफ्तर चल नहीं दफ्तर हरे उतर आता हक नहीं फैक्ट्री का बंदा नहीं उतर उत्ते आता, पैसे मैं लोहे वाले देने मेरा जो साफ होने चाहिए मेरे पैसे वापस होने चाहिए, मेरे धक्के छाई हुई है मैंने तो इन्ना भी कदम कहीं होर चीज़ रख के फसा सकते हैं, मेरे पैसे गए जी जिस हिसाब न कल बंद जिस तरह मेरे दफ्तर से कल जाके इंटर होकर यह काम किया आ होर किसी इंटर जाके ना भी कोई पैसे हो गए कल किसी के समैक रख के भी फसा सकते किसी को भी तेरे अंदर समैक लिए किन्ने पैसे देंगे, दरखास्त मैं ही कमिश्नर साहब के चलिए एक दरखास्त दी है, एक DGP को ऑनलाइन भेजी है, थाना बी डिवीजन भी दी है कुलदीप सिंह SI आबकारी कमिश्नर मुन्नी लाल। मुन्ना जी क्या हुआ? ये 6-7 बंदे पाजी आए थे, उसके बाद में पाजी पानी पी रहे थे, उनको साथ में लेके अंदर चल गए, उसके बाद में फिर एक बंदा अंदर से आया और ऊपर चल गया, ऊपर जाके उसने क्या किया हमको नहीं मालूम, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सरदार जी क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? सरदार जी बोल रहे हैं कि हमारा 1 लाख रुपए चोरी हो गया। हाँ जी,
आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? हमको जी यहाँ पे 5-6 साल हो गया जी। कभी ऐसा लगा कि सरताजी ने ठगीबाजी की? नहीं नहीं, हमारे साथ तो नहीं ठगीबाजी किया, किसी के साथ नहीं किए हैं, तो मैं कैसे कह रहा हूँ। अच्छे बंदे हैं? हाँ जी, हमारे लिए तो अच्छे हैं, तो बाकी मैं अब कैसे कह दूँ बुरे हैं। तुम्हें लगता नहीं झूठ बोलते होंगे? ना, हमें तो नहीं लगता झूठ बोल रहे हैं। हमारा की मामला सारा जी आरी दिल्ली विच जिहड़ा काम साढ़े एक्साइज स्टाफ ने जी, ए एस आई बलदेव सिंह, इन्होंने कल एक मुकदमा दर्ज किया है, 92 नंबर मुकदमा है, अधीन धारा 61-14 एक्साइज एक्ट, जिसे उन्होंने इतलाह मिली कि रिशपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह वासी कपूर नगर सुल्तान मेन रोड अमृतसर जिहड़ा है कट्ठी शराब लिया के जिहड़ा अगे सप्लाई करता, तो जे रेड किया जाए तो काबू आ सकता। जो ये रेड किया तो वो एक पेटी शराब जी ठेके वाली वो ये बरामद हुई है, तो जिदा उन्हें मुकदमा नंबर 92 अधीन धारा 61-14 एक्साइज एक्ट दर्ज किया। आरोप सर वेगा वा कि रेड करने वास्ते आए थे, 1 लाख रुपया कट के लै गए मेरे गले, गले सी सी टी वी फुटेज के दावे कर रहे भी मेरे गले के 1 लाख रुपया जरा कट के लिया। यहो जी कोई गल नहीं है जी, मुकदमा दर्ज होने तो बाद हर एक बंदा जिहड़ा वा अपने बचाव वास्ते कुछ ना कुछ कहिंदा है, अगर उहदा 1 लाख रुपया गया आ जां कोई इहो जी गल होई आ ते असीं उहनूं डंगियाई नाल तफ्तीश करांगे, उहदे च देखांगे, अगर जे कोई इहो जी गल होई आ ते जिहने कीता उहदे खिलाफ़ कार्रवाई करांगे, ते अगर ये झूठा है ते असीं इहदे खिलाफ़ कार्रवाई करांगे। पहले भी कोई मामला जिदा तुसीं दस रहे हो भी कोई शराब की पेटी जिहड़ी फड़ी गई है, पहले भी कभी कोई केस इस तरह का? रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं जी असीं, जे कोई इहो जी गलबात हुई तो वो क्लीयर करांगे जी असीं। फिलहाल जो सानूं हुण साडे एएसआई नूं बरामद होया उहदे मुताबक असीं मुकदमा दर्ज करता, रिकवरी हुई है जी बकायदा, और जे इहदा कितें होर संबंध जुड़दे दस्सदे निकले साडे तफ्तीश दौरान सामने आए तो असीं उह कार्रवाई करांगे।